जय श्री राम राम। अभी हम आप पहुंचे हैं एक सेटअप बॉक्स जो कि टीवी के सर्विस में है, जो कि टाटा स्काई का रिचार्ज वाला सेटअप बॉक्स है और इसमें नो सिग्नल प्रॉब्लम दे रहा है। तो हमारे पास एक कंप्लेन गई, तो फिर हमने आया टेस्ट आउट करने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम जानते हो क्या निकल के आई? ये कनेक्टर का निकल गया है। तो कनेक्टर एक यहाँ भी ज्वाइंट ली गई है, साथ साथ एक ऊपर टॉप में भी ज्वाइंट ली गई है। तो हालांकि मैंने टॉप वाले को क्लियर कर लिया हुआ है, लेकिन नीचे आकर के हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए जिससे आपको भी अच्छी रूप से जानकारी मिल पाए। दूसरा चीज़ ये कि अभी देखो तो हमने वायर इसका खोल रखा है। वायर हमने इसलिए खोल रखा है ताकि जैसे ही हम इस वायर को इसमें ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम में हमारी सप्लाई ऑफ हो जा रही है। तो आखिरकार इसका क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण से आपकी सेटअप बॉक्स की सप्लाई ही ऑफ हो जा रही है और आपका सिग्नल नहीं आ रहा है, बार बार ऐसे वेदर क्लियर का प्रॉब्लम आ रहा है? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाली जो वायर होती है, इसमें आपका थ्री लेयर होते हैं। एक ये वाली वायर होती है, दूसरा आपका ये वाला वायर होता है, और तीसरा इस पर एक कोटिंग ये जो लगी रहती है ये भी वायर होती है। इसमें भी एक सिल्वर का प्लेट लगाया रहता है जिसके कारण से अगर ये सिल्वर की प्लेट आपकी ये येलो वाली वायर यानी कि तांबे वाली वायर से टच कर जाती है तो फिर आपकी सप्लाई ड्रॉप कर जाएगी, और जब आपकी सप्लाई ड्रॉप कर जाएगी तो LNB के पास करंट नहीं पहुंचेगा जिससे आपकी सिग्नल क्लियर नहीं हो पाएगी। दूसरा चीज़ ये कि जो शॉर्ट लगने के कारण से आपकी सेटअप बॉक्स की सप्लाई भी चली जाएगी जिससे आपकी सेटअप बॉक्स में लाइट भी नहीं आ सकती है। तो इसको कैसे क्लियर किया जाता है? देखिए, कितने लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली ऐसे जोड़ देते हैं जिसके कारण से आप देख सकते हो इसमें पीले वाले वायर से आपका व्हाइट वाला वायर टच कर रहा है जिसके कारण से आपकी सप्लाई यहीं पर ड्रॉप कर जाएगी। कितने लोग इसको परफेक्ट रूप से ज्वाइंटर लगा करके भी ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट रूप से ज्वाइंटर नहीं लगा सकते हो तो फिर आप हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहना जिससे आप इस वायर को अच्छे से ज्वाइंट कर पाओगे। चलिए, इसको कैसे ज्वाइंट किया जाता है, शॉर्टकट वीडियो होगा, बहुत ही लाजवाब होगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नया आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर लेना जिससे आपको अच्छे खासे नॉलेज मिलने वाली है। चलिए, इसको कैसे क्लियर किया जाता है। सर्वप्रथम आप ये वाली वायर जोड़ी है तो ये तो परफेक्ट है, इसको हम टच नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको जो येलो वाली वायर जोड़ी है इसमें आपका प्रॉब्लम है, जो कि आपकी येलो वाली वायर से ये वाली वायर टच कर रही है जिसके कारण से आपकी सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। हालांकि मैंने ऊपर वाला वायर जो क्लियर किया हुआ है उसको मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर लिया हुआ है, नहीं देखो तो जरूर देख लेना। फिलहाल इसको कैसे क्लियर किया जाता है चलिए क्लियर करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे अभी आप देख सकते हो हमने दोनों वायर का ऐसे देखो, ये वाली वायर का भी हमने ये सिल्वर कोटिंग यहाँ पे हटा रखी है और नीचे वाले वायर का हमने सिल्वर कोटिंग यहाँ से देखो दोनों का क्लियर कर लिया हुआ है। अगर ये सिल्वर कोटिंग ये आपका येलो वाला वायर से टच करता है तो फिर आपकी सप्लाई ड्रॉप कर जाएगी। उसके बाद अब आप इस वायर को ज्वाइंट करो। जैसे देखो, अब ये वायर हमारी परफेक्ट हो चुका है। अब हम इस वायर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे देखो, अभी हमारी टीवी सिग्नल की प्रॉब्लम दे रही है और हमारी वायर यहाँ पे अलग है। अब वायर को हम इससे पीछे ऐड करते हैं, हमारी प्रोग्राम अब चेंज हो जाएगी और हमारा जो टीवी होगा ना अब चलने लगेगा। ऐसे देखना, जैसे ही हम इसमें ऐड किए, देखो वायर ऐड करते हैं, हमारी वेलकम में चली गई टीवी और हमारा जो प्रोग्राम है वो चलने लगा। यानी कि आप गलत कनेक्शन भी ले लेते हो। जैसे अभी देखो तो हमारी सेटअप बॉक्स अब ऑन हो गया, टीवी हमारी चल रही है। तो अगर आप गलत कनेक्शन भी ले लेते हो, गलत ज्वाइंट भी ले लेते हो तो फिर आपकी टीवी के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी सप्लाई भी जा सकती है। तो इस तरह से छोटी छोटी नॉलेज आपको जरूर रूप से रखना चाहिए। अगर आपके भी टीवी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है या वायर एक्सटेंशन करने की जरूरत आती है तो फिर आप आसानी से इस चीज़ को देख करके समझ सकते हो। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।